सरदारपुर में सीएम शिवराज का कांग्रेस ने पुतला फूंका, भाजपा ने प्रकरण दर्ज करने की मांग की। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश भर में कमलनाथ सरकार गिराने के विरोध स्वरूप 30 जून को 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मनाया। वहीं सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में सरदारपुर के बस स्टैंड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने शिवराज विरोधी नारे लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोकप्रिय नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय बघेल ने सरदारपुर पुलिस थाने पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। बघेल ने आवेदन में बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विधायक ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित किया है, साथ ही साथ कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर सामाजिक दूरी नहीं बनाकर एवं भीड़ वाले क्षेत्र में मास्क नहीं लगाकर भारतीय संविधान की धारा 188 का माखौल उड़ाया है। बघेल ने कहा कि एक विधायक यदि संविधान को नहीं समझता है तो आम जनता तक इसका गलत संदेश जाएगा। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। जनता पार्टी द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला जलाया गया था, उस उपलक्ष्य में सर आप क्या कहना चाहेंगे? किन कारणों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्षों से केंद्र में सरकार है, विगत उसके पहले भी 15 वर्ष पूर्व सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय हमारी कमलनाथ जी हमारे मुखिया प्रदेश के उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके और आने वाले उपचुनाव में हार को देखते हुए उन्होंने उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके पुतले का दहन किया है। सत्ता और सरकार आपकी है, आपको कार्रवाई करना चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। सर, जो आपने ये आज काली पट्टी बांधकर जो विरोध किया है, ये किन कारणों को लेकर किया है? ये आप देखिए कि 2018 के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने एक लोकतांत्रिक, एक जनता की चाहने वाली सरकार बनाई थी, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दरवाजे से कॉबीज होकर के सत्ता हत्या लेते हैं, आज उस सत्ता हत्याने का, सत्ता के अपहरण का आज 100वां दिन है। इस 100वां दिन को हम लोग काले दिवस के रूप में विरोध स्वरूप आज हम लोग इसको विरोध प्रकट हुए, काले पे माथे पर काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। सर, और जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इसके अंदर जो ये पेट्रोल डीजल के दाम जो निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी डीजल पेट्रोल की महंगाई से आज जनता की कमर टूट चुकी है, आम जन परेशान है। यही भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सरकार में लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान, जब देश के प्रधानमंत्री महंगाई, देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई का कम करने का वादा किया था, तेल डीजल और पेट्रोल की दामों के कम करने का वादा किया था, और जब हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब तेल के दाम बढ़ते थे तो साइकिल लेकर के निकल जाते थे, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वह साइकिल कहाँ है? आज भी आप वो साइकिल निकाल के प्रदेश की जनता का दुख दर्द पूछिए, किस कमर से आम जनता की क्या परेशानी है। ठीक है सर, धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, कुछ काला दिवस मनाया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा हुआ है, तो ये कह रहे हैं माननीय विधायक जी की लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो ये अपने विधायकों से जाकर पूछे कि वो क्यों परेशान थे, क्या हुआ ऐसा कि उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का भी पुतला फूंका गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यह तो लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन, धरना, आंदोलन सभी अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से आज मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि विधायक महोदय स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा ही शर्म आना चाहिए कि जिस सदन में, जिस विधानसभा के वो सदस्य हैं, जब उस विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाएंगे तो क्या, किस प्रकार से बर्ताव करेंगे? आज तो उन्हें सांकेतिक पुतला दहन किया गया है, तो क्या माननीय मुख्य सदन में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी ऐसा ही करेंगे? इन्हें शर्म आना चाहिए, ये बौखलाए हुए हैं और इनकी जमीन पैरों तले सरक गई है।
भाजपा की ओर से जवाबी कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है इस मामले में? बस अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, लेकिन इस प्रकार की हरकत माननीय विधायक जी को और उनके समर्थकों को नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का भी अपना एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है, लेकिन जिस प्रकार से उनके हम शासन को अवगत कराएंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे और आगे जो भी शासन प्रशासन उस पर एक्शन लेगा, और यदि नहीं होता है तो हम उनके खिलाफ धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? संजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री धारा।